हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोग से बात करेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में। आजकल देखा जाए तो काफ़ी लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। ये हालांकि खान पान और जीवन शैली की वजह से होता है, वहीं बढ़ती उम्र के साथ साथ ये परेशानियां शुरू हो जाती हैं। बुढ़ापे की यह सबसे बड़ी ही कष्टदायक बीमारी होती है। हालांकि बढ़ती उम्र में के साथ ही इस परेशानियों की शुरुआत हो जाती है। बुढ़ापे की यह बड़ी ही कष्टदायक बीमारी है। इससे चलने फिरने में और बार बार उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस वजह से शरीर और भी कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं शरीर में। जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं लोग, डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं लेकिन आराम नहीं मिलता। तो मैं आपको बता दूं कि बढ़ती उम्र में मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, जिस वजह से ये जोड़ों के आसपास की नसों में सूजन आने लगती है। इससे अकड़न महसूस होने लगती है और जोड़ों के दर्द बढ़ने लग जाते हैं। आज हम आपको यहाँ कुछ ऐसे ही घरेलू उपाय बताएंगे जिससे आप मदद से आप कुछ हद तक इससे आपको छुटकारा मिल सकता है या तो आपको राहत मिल सकती है। जैसे कि कहा जाता है कि एक कप दूध सेहत से भरपूर। जी हाँ, दूध हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक कप दूध में एक छोटा चम्मच पिसी हल्दी, चौथाई छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और चुटकी भर काली मिर्च डालकर उबाल लें। गैस बंद करके इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और गुनगुना होने पर दूध पी लें। रोजाना इस दूध को पिए, इससे जोड़ों के दर्द में धीरे धीरे राहत मिल सकती है। आप इसे या तो सुबह या शाम किसी भी टाइम ले सकते हैं। आप नींबू और संतरा जैसे फल विटामिन से भरपूर होते हैं, इनका सेवन करें, ये जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये फल हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करते हैं। घुटनों और कमर के दर्द में असरदार हो सकती है अदरक। जी हाँ, अदरक में जिंजर रॉल होता है जो जोड़ों के दर्द के अलावा मांसपेशियों में खिंचाव को कम करने में सहायक है। रोज़ इसके रस के सेवन से दर्द में निजात मिलेगी। अदरक के रस में एक नींबू का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर पिए। घुटनों और कमर के प्रभावित हिस्से की अदरक के तेल से मालिश भी कर सकते हैं, इससे दर्द में राहत मिलेगी। एक्सपर्ट के मुताबिक प्याज और लहसुन के सेवन से भी जोड़ों के दर्द को कम किया जा सकता है। इनमें मौजूद तत्व जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसके लिए आप 10 लहसुन की कलियाँ 100 ग्राम पानी या दूध मिलाकर पिए, इससे जल्दी आराम मिल सकता है आपको। हल्दी का करें पर्याप्त सेवन। रोज़ाना खाने में हल्दी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें, जिससे कि जोड़ों के दर्द कम हो सकते हैं। जल्दी में आप जाने वही एंटीसेप्टिक और एंटी फ्लेमिक गुड़ों से जोड़ों के दर्द में सूजन को ख़त्म कर सकता है। हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ओमेगा 3 बादाम में ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा मछली और मूंगफली में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारे घुटनों के लिए ये भी असरदार हो सकता है। गर्म तेल जोड़ों के दर्द के लिए भी राहत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, प्रभावित हिस्से पर नारियल का तेल या जैतून या सरसों का तेल या तो अरंडी का तेल, फिर इसमें लहसुन के तेल से मालिश करें। इसमें मतलब लहसुन डालकर इसको गर्म कर लीजिए और उसके बाद उसी से आप अपने जॉइंट पेन में मालिश करिए। इससे भी आपके जॉइंट पेन को आराम मिल सकता है। ये एक घरेलू जानकारी थी। अगर इससे आपको आराम मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।